बिल्कुल जेनुअन क्लास टेक्निक, कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है इस प्लेयर का, नौजवान पाकिस्तान का सुपरस्टार है और चौथे मैच में बारिश इफेक्ट करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो, आपके साथ अहम तरीन अपडेट से शेयर करने जा रहा हूं। पाकिस्तान को एक और नया फ्यूचर सुपरस्टार मिल चुका है, एक नया बाबर आजम मिल चुका है। कौन सा प्लेयर है और इसके अलावा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो चौथा T20 मैच आज होने जा रहा है, बादलों ने टॉस जीत लिया है और पहले बरसने का फैसला कर लिया है या नहीं, आज बारिश होगी या मैच होगा, क्योंकि पिंडी में यही सबको खतरा लगा रहता है। तो सबसे पहले जहां पर बात करते हैं पाकिस्तान के उस नौजवान बल्लेबाज की जो दुनिया की आंखों का तारा बन सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। आपने पाकिस्तान जूनियर लीग में भी इसको इन एक्शन देखा होगा, लेकिन जब से इस बंदे का इंटरव्यू वायरल हुआ और उसने कहा कि भाई मैं बाबर आजम बनकर रहूंगा, वो कोई और नहीं जनाब तैयब आरिफ है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम के अंडर 19 के कैप्टन भी सिलेक्ट हो चुके हैं और अब इसका ये जो मतलब टारगेट है पाकिस्तान की नेशनल मेंस की जो मेन टीम है उसके अंदर आना, और इसके अलावा उनका कहना है कि बाबर आजम से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान टीम का जो कैंप लगा हुआ था कैंप, तो उसमें बाबर आजम से बहुत कुछ सीखा भी है, और उनका कहना है कि भाई मेरा टारगेट है कि मैं बाबर आजम जैसा प्लेयर बनूं और बहुत ज्यादा स्टाइलिश क्लास है। आपने जूनियर लीग में इसको देखा भी होगा, बहुत ही जबरदस्त किस्म की टेक्निक क्लास, यानी कि बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा तगड़ा और पॉजिटिव साइन है तैयब आरिफ की सूरत में। इसके अलावा आज चौथा T20 मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, मैच पिंडी में हो और फिर बादल जो वो डेरा न जमा ये हो नहीं सकता जनाब। तो बहरहाल है बारिश की पेशगोई कि ये मैच बारिश की नजर हो सकता है, लेकिन होगा वही जो अल्लाह को मंजूर होगा, क्योंकि बाज़ुकात प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा गलत भी हो जाती है, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं क्योंकि जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। अगर मैच होना हुआ तो फिर मैच जरूर होगा। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार जाना।